नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। प्रदेश में मॉनसून से पहले की दस्तक हो चुकी है, ऐसे में हर किसी को बेहतर बारिश का इंतजार भी है। लेकिन आज हमारा सवाल अच्छी बारिश के खिलाफ नहीं, बल्कि ये सवाल सिस्टम से जुड़ा है। कहीं सिस्टम की खामी के आगे आपके लिए ये सावन मुबारक होने से चूक ना जाए। एक सवाल ये भी है कि क्या आपके शहर को साफ रखने वाले लोग ही लापरवाह हो चुके हैं? क्या नालों की सफाई का काम पूरा हो सका है? सवाल ये भी है कि लाखों रुपए बरसात से पहले सफाई के लिए खर्च किए जाते हैं, लेकिन क्या इन पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल शुरू हो चुका है? क्या जिन लोगों को आपने शहर को चमकाने के लिए चुना था, वो लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं? क्या आपको भरोसा है कि बरसात में कहीं आपकी राह में उफान नहीं आएगा? ऐसे हर सवाल का जवाब आज की बहस के दौरान लिया जाएगा। बिग फाइट लाइव जारी है। मॉनसून अलर्ट आ चुका है। बात होगी खास मेहमानों के साथ। बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता उमर दराज जी हमारे साथ हैं, निर्दलीय पार्षद सुशील शर्मा जी हमारे साथ हैं। बातचीत लगातार जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले सूरत हाल का जिक्र करते हैं कि ये सवाल हम क्यों लेकर आपके बीच आए। मॉनसून सिर पर है, राजस्थान के कई हिस्सों को बरसात तर बतर कर चुकी है और ऐसे दौर में स्थानीय निकायों के जिम्मे रहने वाली नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम की प्लानिंग पूरी तरह से विफल है। यह हालत पूरे राजस्थान की है, जहां छोटे कस्बों से लेकर राजधानी जयपुर में सूरत हाल बिगड़े हुए हैं, पर इन्हें संवारने वाला कोई नजर नहीं आता है। सिस्टम तो यही कहता है कि मानसून पूर्व सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसे अभियान को शुरू नहीं किया जा सका है। ऐसे में आपके शहर के प्रमुख स्थानों पर पानी भरने की परेशानी का फिर से सामना किया जाना तय है। जयपुर जैसे शहर में भी ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की कोई योजना नहीं बनी है। नालियों और बड़े नालों को डाइवर्ट करने से बारिश का पानी मकानों और दुकानों में घुसने का अंदेशा है। शहर में सीवरेज सिस्टम भी सरकारी सिस्टम के आगे दम तोड़ रहा है। बिना बरसात उफनने वाले नालों का आगे क्या होगा, कोई नहीं जानता। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद अभी तक नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि बड़े नालों का कोई धड़ी धोरी नहीं है। एक तस्वीर जोधपुर में भी बीते दिनों देखने को मिली थी, जब 20 मिनट की बारिश के बाद एक नाली इस कदर उफनी कि रास्ते में तूफान मचा दिया। जानवरों से लेकर गाड़ियों तक को पानी के बहाव में कोई रोक नहीं सका। सोचिए, कभी जयपुर में ऐसी स्थिति हुई तो क्या होगा? कहीं आपके शहर में पानी भरा और बीच रास्ते में आप फंस गए तो कौन जिम्मेदार होगा? हो सकता है कि हर बारिश में आपके शहर की एक सड़क उफन जाती हो, पर इस बार हर गली का ऐसा ही हाल हुआ तो क्या होगा? सवाल सिस्टम की लापरवाही का है, जिसे जयपुर नगर निगम की मिसाल से समझा जा सकता है, जहां सफाई से लेकर विभागों की कमेटियां तो कई बनाई जानी थी, पर महापौर से लेकर सांसद को सिफारिशों को पूरा करने से ही फुर्सत नहीं है। खैर, जन प्रतिनिधियों की ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी अफसरों की भी है, जो मोटी तनख्वाह लेने के बाद भी काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में क्या मॉनसून अलर्ट पर बात करना बेहतर होगा? आज कोशिश यही रहेगी। और इस बहस में आज आप एक सवाल भी आपके बीच लेकर हम आए हैं कि क्या मॉनसून से पहले जिस तैयारी की बात हम कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए, क्या स्थानीय निकाय अलर्ट है? आप अपनी राय firstindianews.com पर दे सकते हैं। फेसबुक के जरिए भी आप बता सकते हैं कि सवाल पर आप क्या सोचते हैं। इसके साथ साथ firstindianews.com के जरिए और ट्विटर पर #मानसून टाइप करते हुए भी फर्स्ट इंडिया तक आप अपनी राय पहुंचा सकते हैं। सवाल मनीष जी, सबसे बड़ा ये है, सबसे पहले आपसे तारुफ करते हुए जाना चाह रहे हैं, सफाई समिति नहीं बनी, मानसून सर पर है, कैसे गारंटी हो सकती है कि बीजेपी जयपुर शहर को साफ सुथरा रखेगी?
सफाई समिति का विषय तो ये बात है कि टेंडर करना और उस पर वर्क ऑर्डर हो जाना, उसके बाद में ठेकेदार का काम करना, ये सफाई समिति के उसमें नहीं आता है। उनकी तो पॉलिसी बनाने की बात है, कोई सिस्टम को चेंज करना हो, कोई नीतिगत परिवर्तन करना हो तो सफाई समिति की आवश्यकता पड़ती है। बड़ी बात तो यह है कि जो इंजीनियर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कमिश्नर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने इसको सिंसियरली विचार किया या नहीं। और उसके बाद चूंकि बरसों से एक तो अधिकारी जवाब दे दीजिए, क्योंकि सीधी सी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है, 20 मिनट की बारिश बीते हफ्ते हुई और पूरे शहर में कई जगह ऐसी, खासतौर पर चार दीवारी से तो आप आते हैं, वहां देखने को मिला क्या हाल था। कई जगह नालियां उफनती नजर आई, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम सबकी पोल खुलती नजर आई। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि टाइम पर इसकी सफाई होनी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन करने के लिए जो ठेके हुए हैं उनका समय मई जून में इसीलिए निर्धारित किया जाना चाहिए था, और ऐसा हर बार होता है क्योंकि वही अधिकारी वहाँ मौजूद है, उनके रूटीन काम है। प्रतिनिधि तो बदलते रहते हैं 5 साल में, लेकिन अधिकारी तो वो जानकार लोग हैं, उनको ठेके करने हैं तो बारिश के ठीक पहले हो जाने चाहिए ताकि इस तरह की उफान की स्थिति ना आए। तो आप मानते हैं कि बोर्ड आपका है, मेयर आपका है, डिप्टी मेयर आपका है, तो पूरी जिम्मेदारी आपकी पार्टी की हुई? निश्चित तौर पे यह तो इससे जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ कि कार्य जो करने का काम है वो ऑफिसर्स का है, और इस तरह से उनको निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं महापौर द्वारा। जिम्मेदारी नहीं, आप ऐसा कहना चाहेंगे? महापौर द्वारा उनको निर्देशित भी किया गया है, कलेक्टर ने भी आपदा प्रबंधन के तहत जो निर्देश देने होते हैं वो नगर निगम के अधिकारियों को दे दिए हैं, तो इस दिशा पे काम हुआ है। चलिए, आर के विजय वर्गीय जी हैं, चीफ टाउन प्लानर हैं, इस बहस में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन इस मैं आऊँगा विजय वर्गीय जी आपसे, आपके पास में, उससे पहले उम्र दराज जी, कांग्रेस आज फिजूल में प्रदर्शन कर रही थी, इसका मतलब तो ये होगा नगर निगम के बाद आप बाहर हंगामा कर रहे थे, धरना ऐसे ही दे रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ शहर में? देखिए, अभी मनीष पारिक जी ने खुद ने इस बात का इकरार किया है कि हाँ, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है और हम इसमें नाकाम रहे, और सामने अभी पिछले दो चार पाँच वर्ष पहले नाकाम इकरार हो गया एक तरह से उनकी, ये उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, इकरार हो गया। उसमें अभी खुल के तो कह नहीं सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ये खुद कैंडिडेट रह चुके हैं, डिप्टी मेयर जयपुर के रह चुके हैं, अभी यहाँ बैठे हैं, अब अपने गुनाह को खुद कबूल तो कर नहीं सकते। अब अभी आपने देखा शहर के हालात, आप नगर निगम में हैं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या, शहर में सफाई का काम शुरू हुआ? बिल्कुल, 10 जून से पहले पहले सारे नाले की सफाई का काम चालू हो जाने चाहिए थे। जब आज इन्होंने कहा कि जिम्मेदारी मेयर और डिप्टी मेयर की नहीं बनती, मैं कहता हूँ मेयर और डिप्टी मेयर की बनती है, क्योंकि अधिकारी आपके अधीन है, बोर्ड को चलाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी जब तुम्हारी कड़ी से कड़ी पूरी मिली हुई है नीचे से ऊपर तक, और आज तुम ये कहते हो कि साहब ये जिम्मेदारी हमारी नहीं, अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहिए, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे इलाके के नहीं है। मगर अब हमारी जिम्मेदारी जब पूरी होती है, जब हम मेयर के पास जाएंगे और मेयर से बात करेंगे, मगर मेयर इस जिम्मेदारी के को उठाने के लिए तैयार नहीं है, डिप्टी मेयर इसको कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मनीष पारिक जी, से पहले जो सफाइयां होनी चाहिए थी वो आज किस बात के, बीजेपी से जुड़े हुए हैं आपके, ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, महापौर जी ने निर्देश जारी किए हैं, राइटिंग में लेटर जारी किया है, और ये जो ठेके हो जाने चाहिए थे उन, आप दोनों में से झूठ कौन बोल रहे हैं? उम्र दराज जी झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसा कहना चाहते हैं? आज जारी हुआ, महापौर को निर्देश जारी करने होते हैं, वो उन्होंने किए हैं जी। ये जो मैंने तो बात बताई थी सफाई समिति की, आप कह रहे थे भाई उसका निर्माण अभी तक गठन नहीं हुआ है, एक पहलू ये भी है क्योंकि शहर गंदा पड़ा है, सड़ रहा है, ड्रेनेज सिस्टम ओवरफ्लो हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, सफाई सुधार हुआ है, सफाई सिस्टम में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आगे आने वाली है जिसमें ड्रेनेज सिस्टम के बारे में है, उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए टाइमली, नालों की सफाई हो जानी चाहिए टाइमली, उस विषय पर अलग बात है। सड़क पे कचरा नहीं दिखता है अब, और अब ये पक्की बात है माननीय मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के बाद, और उसके पहले माननीय वसुंधरा जी के कड़े निर्देशों के बाद पूरे राजस्थान में सफाई के स्तर में सुधार आया है। देखिए, मैंने अपनी जो स्टोरी थी उसमें दो शहरों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया था, जयपुर और जोधपुर। तो जयपुर की तस्वीरें साफ बयान कर रही थी, लगातार लूप के जरिए आपको हम दिखाते रहेंगे। सुशील शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, निर्दलीय पार्षद हैं आप जयपुर नगर निगम में, क्या स्थिति है जयपुर नगर निगम में, क्या सुनवाई होती है सफाई के मसले पर, शहर का, आपके वार्ड का क्या हाल है? सर, मैं आपसे निवेदन करूं कि इसको राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए, और सफाई व्यवस्था जो पिछले बोर्ड में रही जी, जो स्थिति खराब रही उसको भी हम स्वीकार कर रहे हैं। अभी भी जो सफाई व्यवस्था वो सुधरी, ये कह रहे हैं कि सुधर गई मोदी जी के अभियान से सुधर गई, वो अलग बात है, लेकिन हम तो उसके अंदर हैं, सिस्टम के अंदर हैं, इसलिए हमें पता है। मैं आपको बताऊँ कि
सबसे बड़ा रोल इसका है कि हमारा जो जयपुर बसा है, जो अंदर अंदरूनी हिस्सा है वो तो है ही है, लेकिन जो बाहर जयपुर बसा है उसकी बड़ी दुर्दशा है, वो अनप्लान बसा हुआ पूरा का पूरा, और सोसाइटियों ने अनलिमिटेड पट्टे काटे, उन्होंने पूरा कोई ड्रेनेज सिस्टम को देखा, नदी नाले थे वहाँ तक उन्होंने भेज दिया। मैं जिस एरिया से आता हूँ उस एरिया में आप देखो डहर के बालाजी, परशुराम नगर, यहाँ चार चार फुट सीकर रोड पे पानी भरता है। आपके शहर का हाल है, सिविल लाइन्स वीवीआईपी इलाका है, हर बरसात में वहाँ पानी भरता है। ये बात अलग है कि कुछ देर में निकल जाता है, सोडाला वहाँ से सटा हुआ है, वहाँ पानी भरने के बाद 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। कई शहर, कई इलाके ऐसे हैं जयपुर शहर की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि राजधानी है, बात करना जरूरी है, वहाँ पर तो डिवाइडर के ऊपर से पानी निकल जाता है। कहाँ की बात है, प्लांट सिटी की बात करें सर, तीन तीन घंटे तक वहाँ जाम रहता है सीकर रोड, तो तीन तीन घंटे बंद रखनी पड़ती है हमें, पुलिस वहाँ खड़ी हो जाती है कि भाई पानी आ रहा बहुत तगड़ा, आप इधर से जा नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि अमाने से का नाले में पानी जाता था वो सारा सिस्टम बंद कर दिया। चलिए ये कौन दुरुस्त करेगा, किसकी जिम्मेदारी? नगर निगम की जिम्मेदारी है, जेडीए की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? मनीष जी कह रहे हैं अधिकारियों की जिम्मेदारी है, महापौर ने अपना काम कर दिया, लीव कर दे दिया। अधिकारी बदलते रहते हैं, जो आदमी बोर्ड में बैठा है निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी जो आज चेयर पर है और उसकी जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूँ अभी तक नालों की सफाई की उन्होंने टेंडर कर दिया, उसका क्या, महापौर ने लिख कर दे दिया, अधिकारी नहीं सुन रहा, इसका मतलब गलत गलत गलत, गलत गलत। इसका जवाब मैं दूंगा आपको जी, अगर ये कहते हैं कि महापौर ने नोट शीट लिख के दी थी तो मैं अभी भी कह सकता हूँ, आज भी अखबार के अंदर विज्ञप्ति है, हवामहल जोन पूरब के अभी तक टेंडर तक नहीं हुए नाला सफाई के, अभी आप क्लिपिंग दिखा रहे हैं। अब मैंने अभी भी कहा था आपको, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, आपने क्लिपिंग दिखाई है अभी सारी, उसमें नागतलाई का नाला भी मौजूद है जिसमें पिछले बार कम से कम 2 या 3 आदमी की मरने का हादसा हुआ था, हमने समय रहते नालों की सफाई कराई, अभी तक वर्क ऑर्डर तो बहुत दूर की बात है कि तुमने टेंडर ही नहीं लगाए तो अधिकारी कैसे नहीं सुनेंगे? यार आप सिस्टम को चलाने वाले हो, चेयरपर्सन हो, अगर आपकी नहीं मानते अधिकारी आज या कल चले जाएगा, आप तो पूरे 5 साल के नहीं मुकामी हो वहाँ पे, अगर जयपुर शहर की आप ख्याल नहीं रखेंगे जयपुर शहर का तो कौन रखेगा? मनीष जी कौन ख्याल रखेगा, आप लोग ख्याल नहीं रखेंगे? हालत देखो ना कितना खराब, बिल्कुल रखेंगे, रखा है, इसीलिए जीत कर आए हैं, लगातार जीत रहे हैं चुनाव, और चुनाव ये पक्की बात है कि चुनाव जीतना अलग है, व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, जनता की जो चुनाव जीत के बाद भरोसा नाले का पानी निकल गया चुनाव जीतने से, जनता ने भरोसा जताया है, उसका कारण ये है कि पहले मनीष पारिक ने अच्छा काम किया इसलिए निर्मल लाहटा चुनाव जीत कर आए हैं, ये मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ। बात यह भी है कि पूरी सतर्कता के साथ, पूरी मुस्तैदी और शिद्दत के साथ काम किया, जो उपलब्ध संसाधन थे जैसे हालात थे उसको सुधारने की पूरी कोशिश की, आपका ही बोल रहा है, यही कारण है आज भी है 50 साल। एक आदमी कुछ भी बात कर सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सिस्टम की बात, से पानी वैसे ही भर रहा हूं सिस्टम में ये है कि टाइमली जून से पहले उसकी बात करनी चाहिए। चलिए सिस्टम को समझ लेता हूँ। चीफ टाउन प्लानर आर के विजय वर्गीय जी हमारे साथ है इस बहस में। आर के विजय वर्गीय जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कि एक जयपुर शहर की अगर बात की जाए, ड्रेनेज सिस्टम अगर फेलियर होता है तो इसके लिए आप पूरे प्लान में रहते हैं, मैं जानना चाहूंगा जिम्मेदार कौन होगा? देखिए जिम्मेदारी की जो बात है उसको हम दूसरे उस पर लेंगे तो जी। पहली प्राथमिकता जैसा अभी ये निर्दलीय पार्षद महोदय बता रहे थे कि बाहर का इलाका अनप्लान्ड वे में हुआ है, इसके बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। ऐतिहासिक पहलू अगर सिटी प्लानिंग का अगर हम देखें तो राजस्थान के जितने भी शहर हैं, चाहे वो जयपुर हो, जोधपुर हो, चाहे शेखावटी के टाउन्स हो, चाहे बीकानेर के हों, चाहे गंगानगर वो वाले इलाके हों, जितने भी शहर जो प्लान हुए उसमें प्लानिंग इस तरह से की गई थी कि वर्षा का जल यहाँ बहुत कम होता है, मानसून के जो डेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वर्षा इस तरह से सिटीज़ की प्लानिंग थी कि वर्षा का जल शहर के अंदर आता था और शहर के अंदर इस तरह की वाटर बॉडीज़, फॉर एग्जांपल आमेर में जैसे है, माउठा है, आपके ताल कटोरा है शहर के अंदर, ये इस तरह की वाटर बॉडीज़ आपको पुराने हर शहर में मिलेगी और ये एक USP स्ट्रेंथ थी इनके शहरों की प्लानिंग की। कि अब क्या हो गया कि उल्टा हुआ, जो शहरों का विस्तार हुआ, एकदम लगातार आबादी का विस्तार हुआ, उस वजह से जो अनप्लान्ड ग्रोथ हुई तो वर्षा का जल जो शहर के अंदर आना था उसको हम एक समस्या मानने लग गए। वो समस्या इसलिए हुई क्योंकि वाटर बॉडीज़ के जो रास्ते में जो वाटर चैनल्स थे जहाँ से पानी आता था, इंटैक होता था, उसमें कोई ना कोई डेवलपमेंट आ गया और वो रुकावट आ गया, एनक्रोचमेंट आ गया, एनक्रोचमेंट बोले या जो भी है, आबादी का विस्तार के साथ साथ जो भी कारण रहे उसकी वजह से जो वाटर का इंटैक था, तो वो अब क्या हो गया कि अब हम जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम समस्या मानने लग गए और उसको जो वर्षा जो हमें जल चाहिए। किसी भी सिटी की प्लानिंग में ड्रेनेज सिस्टम का अहम रोल होता है, बहुत बड़ा अहम रोल है, और इसीलिए जैसा अभी भूतपूर्व डिप्टी मेयर साहब बता रहे थे
चाहे वो पिछली सरकारें रही हो चाहे अब सरकारें रही हो, हर समय एक लॉन्ग टर्म नीति के तहत काम किया है। और अभी जो वर्तमान सरकार ने एक बहुत पुरानी जो लंबित नीति थी सीवरेज एंड वेस्ट वाटर पॉलिसी, उस पर एकदम बहुत गंभीर रूप से कार्य चालू किया है। और ये देखा है कि जो जो जल प्रबंधन है उसको हमें बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, विशेषतः राजस्थान में। और इसीलिए भारत सरकार की जितनी भी पुरानी नीतियां रही वो भी इन्हीं तरह के उस पर फोकस करेंगे। साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा, ब्रेक का कॉल है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा आपसे वापसी करूंगा। और ये जो प्लानिंग है वर्तमान सरकार की सीवरेज ट्रीटमेंट और वाटर ट्रीटमेंट प्लान को लेकर बात की जा रही है, ये कितने कारगर है, इस पर क्या काम हुआ, कितना पैसा लग चुका है और शहरों में इसकी कितनी जरूरत है, क्या इसका फायदा हुआ है कहीं, हर पहलू को टटोलने की कोशिश होगी। ब्रेक के उस पार। थोड़ी सी बारिश के कारण हमारे शहर के अंदर गलियों के अंदर पानी का भराव हो जाता है, जिससे आने जाने वाले सभी को परेशानी होती रहती है। और जो गटर लाइन के नाले हैं वो भी पूर्ण तरह पानी से भर जाते हैं। जो आस पड़ोस है जिनके घर थोड़े सड़क से नीचे स्तर पर आते हैं उनके घरों में पानी आ जाता है। प्रदेश के अंदर मानसून की तैयारी के लिए ड्रेनेज सिस्टम जो लागू किया जाता है प्रशासन की ओर से, वो कहीं ना कहीं फेल होता नज़र आ रहा है। और हमारे शहर में भी जो पिछले कई दिन जो पहले जो बारिश हुई उसके अंदर मुख्य चौराहों पर और मार्गों पर वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध हुई और उसके कारण लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए जनता यह चाहती है कि प्रशासन पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था करे। छः महीने में बिल्कुल नकारा हो चुका है, सफाई व्यवस्था विकास कार्य पूरी तरह से चरमराए हुए हैं। आप जैसे नाले की सफाई के लिए लीजिए, मानसून सिर पर आ गया है और अभी मात्र 20% नाले की सफाई हुई है। और जो सफाई हुई है जो कचरा निकला है वो कचरा नहीं उठ रहा, वो वापस नालों में जा रहा है। सीवर के मैन होल सफाई नहीं हो रहे हैं, गंदी गलियां सफाई नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम तो भगवान से ये भी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं अच्छे मानसून के लिए, यदि अच्छा मानसून यदि आ गया तो शहर की क्या स्थिति होगी। नालों की सफाई बिल्कुल युद्ध स्तर पर की जा रही है, और ये भी बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, कुछ जगह मलबा बाहर पड़ा है और बारिश आ गई, उससे हमें थोड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। इसकी रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। और नाले, जयपुर के नाले इस बार आपने देखा होगा कि आम लोगों में चर्चा है कि नाले बहुत बेहतर तरीके से साफ हो रहे हैं, काफ़ी मलबा निकल रहे हैं। आपकी चिंता ठीक है और हम भी इसके लिए चिंतित हैं, कोशिश कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से जो भी बचा हुआ है काम उसको निपटाया जाए। ना तो सीवर लाइन का हमारे यहाँ कोई बाहर से दो काम शुरू हुआ, ना गड्ढे भरने का काम हुआ, ना नाला निकल रहा, ना गंदी गली निकल रही। और बल्कि एक इनके आदमी तो ये कहते हैं बल्कि कि साहब सेंटर ने काला धन नहीं निकाला, हम काला धन कहीं निकाले। इस चर्चा में आज सवाल है, क्या मानसून से पहले ड्रेनेज सिस्टम के लिए निकाय अलर्ट है? और वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर आप अपनी राय हमारे तक पहुंचा सकते हैं। जयपुर से उस्मान खान साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। उस्मान खान साहब बताइए, आपका मोहल्ला क्या, आपकी गली साफ है? मेयर कहते हैं कि आम आदमी काफी खुश है। नमस्कार सर जी। जी सर, मैं बोल रहा हूँ जलमेल से, वार्ड नंबर 88 से। जी सर। जहाँ जयपुर का आधे से ज्यादा पानी जलमेल में जाता है। अगर किसी का व्हाट्सअप हो, किसी यहाँ नेता बैठे हैं तो मैं अभी आपको व्हाट्सअप पे फोटो खींच के बताता हूँ हमारे यहाँ के नले की हालत क्या है। और नले की ऐसी हालत है कि सर आप अभी अगर रामगढ़ मोड़ से एरिया की तरफ आएंगे ना तो वहाँ इतनी बुरी हालत हो जाती है बरसात में कि कम से कम 3 से 4 घंटे आम लोगों को रुकना पड़ता है जब तक पानी पूरा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो नला है पूरा ऊपर तक भरा गया है। चलिए दूसरी बात सर, कि हमारी कॉलोनी में से सारी जितनी व्हीकल्स है वो सब हमारी कॉलोनियों में से जाती है।
क्योंकि परेशानी इतनी होती है उस रोड पे, मेन रोड पे से आमेर से, जो आमेर के लिए जाते ना जी। उस्मान साहब समझ गया इस दर्द को, शुक्रिया आपका। मनीष पारिख साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा इस बात को। मेयर साफ तौर पर आम आदमी सवाल जानना चाहता है। टाइम लगता है पानी जाने में, उन्होंने तो ये कहा है। अब इतना पानी सारे शहर का आ रहा है, आम आदमी इस बार काफी खुश है। इस बार काफी खुश है, मतलब पहले सफाई नहीं है। नाला भरवी की कहा उस्मान खान ने, उस्मान जी ने यही कहा है कि पानी जाता है तो भर जाता है और टाइम लगता है। तो ये तो ज्यादा पानी आएगा तो टाइम लगेगा, लेकिन ये पक्की बात है कि जाने का रास्ता तो है ना, उसको रास्ते में रुकावट नहीं है। रास्ते में निकलने वाली गाड़ियों को परेशानी होती है। आप झुठला रहे एक दर्शक, उन्होंने नाला भरेवी की भी कहा, उन्होंने कहा नाला इतना लबालब भरा हुआ है कि जिसकी वजह से पानी सही टाइम पे नहीं जाता है। क्यों अब ये आप क्या है, झुठलाने वाली बात क्यों करो, वकील हो ना मनीष पारिख जी, इसलिए सफाई हुई है। जनता को सच्चाई, जनता को सच्चाई एक्सेप्ट करो, नालों की सफाई, नाले में से जाएगा पानी, नाले का पानी बाहर रह गया है, इस तरह की शिकायत अगर आई। चलिए मनीष पारिख साहब, मुझे आप ये बता दीजिए कि आपके बोर्ड की मंशा क्या है। बीजेपी का बोर्ड है, आप निगम से जुड़े रहे हैं, आप कार्य प्रणाली को समझते हैं, इसलिए जानना चाह रहा हूँ। मेयर ने जो कुछ भी कहा उससे पहले गुलाम नबी थे, उनको हमने सुना, मंजू शर्मा थी कांग्रेस की, उनको हमने सुना। जयपुर शहर का क्या हाल है, राजधानी का क्या हाल है, क्या ऐसी होगी राजधानी? नहीं नहीं, साफ सुंदर और स्वच्छ राजधानी का जो कमिटमेंट है उसको पूरा किया जाएगा। अब ये जो एक बारिश के पानी से बहुत तहस नहस हो जाएगा, ये तो इनकी काल्पनिक बात है, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये बात जरूर है कि जो नालों की सफाई हुई तो मलबा बाहर रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी कुछ कह सकता है, कांग्रेस का पार्षद ये कहे कि कुछ भी अभी नहीं हुआ है। सुशील जी तो निर्दलीय है, कांग्रेस के निकलने का रास्ता ही नहीं है। इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करे कि अनप्लांड कॉलोनियां बसी, पानी को रोका गया। मैं तो अभी तत्काल की बात कर रहा हूं, जिम्मेदार कौन? अनप्लांड कॉलोनी जिम्मेदार कौन? जो सरकारें रही वो जिम्मेदार, ये जो अफसर बैठे ये जिम्मेदार, उनको कोई रोका ही नहीं, मकान बना लिया। इधर पानी आने वाला था, कहा वही मैं अश्विनी जी कह रहा हूँ, आपने कहा था आपके जल महल के जोड़वाड़ा की वहां पर। सुशील जी और उम्रदराज जी सुन लेते हैं, मनीष जी कुछ कह रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ कि उम्रदराज का, उनका उस्मान भाई का कहना था कि जयपुर का, सारे जयपुर का पानी यहाँ आता है और उस समय पानी लबालब भर जाता है और आने जाने में दिक्कत होती है। ये बात तो सही है, जब पानी जाएगा ही वो रास्ता है वाटर बॉडी का, तो वाटर बॉडी के रास्ते में कुछ देर अगर लगती है पानी निकलने में, तो आप नहीं मानेंगे शहर में गंदगी है? सफाई में तो बहुत सुधार आया है, सुधार है तो पक्की बात है। और कितना परसेंट सुधार है, चलिए ये बता दीजिए मुझे। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि आधे से ज्यादा सुधार हुआ है, 50% से ज्यादा। जो कचरे के ढेर जगह जगह पड़े मिलते थे वो अब नहीं दिखते, लोगों ने खुद ने कहा है कि हमारे कचरा डिपो टाइम पे उठ रहे हैं और जो कचरा और कोई डाल कर। क्या बीते 5 साल में जो नालियां ओवरफ्लो होती थी इस बार नहीं होगी? क्या जिन नालों में पानी आगे नहीं निकलता था ऐसा अब नहीं होगा? क्या जिन गलियों की बात कर रहे हैं वहां घरों में पानी, दुकानों में पानी चला जाता था, खजाने वालों का रास्ता आप ही के रास्ते के सामने है, वो सब जानते हैं क्या स्थिति है वहां, बरसात में क्या स्थिति है। तो ये पूरे राजस्थान की ये स्थिति है, जयपुर का जिक्र नहीं कर रहे। बीकानेर से इंद्र ओझा साहब और राजेंद्र चौड़िया जी अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। इंद्र ओझा साहब, बीकानेर में क्या स्थिति है, सफाई को लेकर क्या निगम अलर्ट है वहां पर? नमस्कार अश्विनी जी। जी सर नमस्कार, सभी मेहमान को नमस्कार सर मेरा। जी सर, बीकानेर में प्रशासन पूरा अलर्ट है। जी बीकानेर में नगर निगम भी पूरा अलर्ट है, इससे पहले कांग्रेस का बोर्ड था, नगर निगम कांग्रेस का था, तो सफाई की हालत बहुत खराब थी बीकानेर के अंदर। और इस बार ठीक है? अब बिल्कुल ठीक है। और लोगों की सबसे बड़ा परीक्षा एक इफेक्ट में बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता का अभियान है, वो अभियान इतना कारगर साबित हुआ है। मैं बीकानेर का कह सकता हूँ मैं, बीकानेर के लोग लकी है हिसाब से, किस्मत वाले हैं। राजेंद्र जी अजमेर से, बताइए राजेंद्र जी अजमेर में सफाई को लेकर क्या स्थिति है? राजेंद्र चौड़िया जी लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। विजय वर्गीय साहब आपके पास आ रहे हैं, और जिस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान का हम जिक्र करना चाह रहे थे उससे पहली बात है कि सीवरेज प्रॉपर हो, उस ट्रीटमेंट प्लान तक तो कम से कम पानी पहुंचे, क्या वो स्थिति नज़र आती है जयपुर में? जी हाँ, जयपुर में पिछले वर्षों से जब से ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान का जो कार्य इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद, जैसे उदाहरण के तौर पर देहलावास में उसकी कैपेसिटी ओरिजिनली जो 60 MLD थी वो बढ़ के अब 125 MLD तक हम कर चुके हैं उसको अपग्रेड, और पानी जो वहाँ पे वेस्ट वाटर जो पहुँचता है उसकी काफ़ी कैपेसिटी आती है। जैसे मैं आपको एक टेक्निकल वो पॉइंट बताऊंगा कि जो
135 लीटर पर कैपिटा पर डे हम पानी का सप्लाई मानते हैं, और ये मानते हैं कि उसका 80% पानी वेस्ट वाटर के रूप में आता है, वो किसी चाहे वो सीवरेज हो, उसके अलावा एक स्टॉर्म वाटर भी है। तो स्टॉर्म वाटर को भी चूँकि घरों के पानी से सीवर लाइंस चोक हो जाती है, मतलब फ्लो वाटर का नहीं होता है, इसलिए स्टॉर्म वाटर को भी हमने सीवर से जोड़ा है। उसकी वजह से जयपुर की सीवरेज की समस्या में काफ़ी कुछ समाधान हुआ है, और अभी वर्तमान में राजस्थान के केवल 11 शहरों में सीवरेज सिस्टम है। तो इसके लिए जो आप कह रहे थे अभी जैसी सफाई और ये तो है इसका केवल क्राइसिस मैनेजमेंट जो हम हर साल करते हैं कि नालों की सफाई कर दी वो कर दी। इसके अलावा हमको शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मास्टर ड्रेनेज प्लान्स बना के और प्रॉपर अगले 20 सालों में 25 सालों में शहर कहाँ तक बढ़ जाएगा, वहाँ की सारी पूरा टेरेन को स्टडी करके मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा ड्रेनेज का, और तभी ये लॉन्ग टर्म समस्या एक बात मैं समझना चाहता हूँ, आप लोगों के जिम्मे होता है किसी शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए प्लानिंग करके देना, लेकिन उससे आगे इम्प्लीमेंट कैसे होता है? देखिए प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दो अलग अलग चीज़ हैं। प्लान जो करता है वो इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए एजेंसीज डिफरेंट होती हैं। अभी तक इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अब ये जब आप इन समस्याओं से रूबरू होते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आज की समस्या जी बहुत पहले से समस्या है, लेकिन अब शहरों में इस तरह की समस्याओं को देखते हुए बहुत जागरूक। तो आप ये तो समझ सकते हैं कि राजस्थान के स्थानीय निकायों में क्या स्थिति है, अगर आपके शहर को साफ रखने के लिए दो अलग अलग बॉडीज है, गवर्नमेंट बॉडीज है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की जो बात आ रही है, सामंजस्य की जो बात आ रही है, वो नजर नहीं आती, तो ऐसे में आपका शहर कैसे साफ हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। अशोक पंडित साहब अजमेर से और खालिद कुरेशी साहब बीकानेर से हमारे साथ हैं। खालिद साहब बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। खालिद कुरेशी साहब चाहते हैं मानसून अच्छा हो, बारिश अच्छी हो। जी बात ये है कि अच्छी बारिश होगी तो क्या कोई से बर्दाश्त कर पाएगा? मानसून भी इसलिए डरता है आने से, इसलिए डरता है कि उसके हाथों किसी गरीब का नुकसान ना हो जाए, किसी गरीब का घर ना गिर जाए। तो प्रशासन सोचे, पार्टी के नेता हो या कांग्रेस की पार्टी के नेता हो, वो सोचे नई तरकीब निकालें ताकि लोगों की जो मानसून परेशानी होती है उससे बचाया जा सके, उससे बचाया जा सके। अशोक पंडित साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। तीन बातें कहूंगा, एक तो विजय वर्गीस को जी, आपका कोऑर्डिनेशन राजस्थान में पिछले 7 साल में नहीं हुआ और आगे भी 50 साल नहीं होगा। एक बात रही बात परीक्षा की, परीक्षा जीत के आप आए हो, आपने जनता को वो गुलाब के फूल दिखाए हैं जो पैदा ही नहीं होते हिंदुस्तान में। तीसरी बात सफाई ठेकेदारों के लिए, जो ये मौसम मानसून है ये ठेकेदारों के लिए एक उपहार के रूप में आता है कि 5-7 दिन पहले टेंडर खोलो और करोड़ों रुपए कमा के ले जाओ, जिसमें आप सबकी निधि भगत है, इसमें कोई सरकार का नहीं है, जनता ऐसी। काफी बड़ी बात आपने कही अशोक पंडित साहब, सफाई के लिए हर साल पैसा आता है लेकिन वो पैसा कहाँ चला जाता है, इस पर भी बात करना बेहद जरूरी है। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो निगम के सूरत हाल को टटोलने की कोशिश करेंगे, कितना पैसा आया, कहाँ चला गया, टेंडर की प्रक्रिया कहाँ अटकी पड़ी है और क्यों अटकी पड़ी है, देखते रहिए बिग फाइट। नालों की सफाई हुई नहीं थी, सरकार और प्रशासन सब सो रहे हैं, इसके लिए जनता तो इसलिए जिम्मेदार है कि वह पॉलिथिन की थैली काम में ले रही है और सरकार प्रशासन सो रहा है, बरसात छाती पे आ गई। करोड़ों लाखों रुपए सफाई के नाम पर खर्च करते हैं लेकिन ये सब अपनी जेब में ले जाते हैं। इसके लिए पूर्णतया सरकार और निगम प्रशासन जिम्मेदार है भाई, ये बहुत पुराने सिस्टम चल रहा है, जो सीवरेज लाइनें डली हुई हैं ये 20-22 साल पुरानी है, जो ब्लॉक हो चुकी है, सरकार ने अभी तक इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, बरसात में इस तरह कदर हालत खराब हो जाएगी, इसकी खामियाजा पब्लिक को ही भुगतना पड़ेगा, न कि सरकार को।